आशा की एक किरण एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, मगर अच्छी सेहत का राज इलाज नहीं बल्कि बचाव है। ये मूल मंत्र सभी बीमारियों पर लागू होता है। इस पर अगर अमल किया जाए तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहें। एड्स क्या है? एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ऐसी चिकित्सीय अवस्था है जिसमें मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और बीमारियों के लक्षणों का समूह बन जाता है। एड्स आज दुनिया में काफी फैल चुका है। जिस रफ्तार से एचआईवी संक्रमित रोगियों की तादाद बढ़ रही है वो चिंताजनक है। एचआईवी क्या है? एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से व्यक्ति एड्स से ग्रस्त हो जाता है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसे देखा नहीं जा सकता। ये वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर उसकी संक्रमण या रोगों से बचाव करने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। शरीर रोगों से लड़ने में कमजोर होता चला जाता है और इस कारण लघु संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में एड्स के लक्षण उत्पन्न होने में 8 से 10 वर्ष तक का समय लग जाता है और एचआईवी पॉजिटिव कई वर्षों तक बिना किसी बीमारी के लक्षण के रह सकता है। एचआईवी होना और एड्स होना दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर इतना है कि एचआईवी अगर कोई पॉजिटिव है तो इट मीन्स उसके अंदर एचआईवी का वायरस वो बॉडी में एंटर कर चुका है, और एड्स उसकी बाद की अवस्था है जो कि उसको होने में 8 से 10 साल तक लग जाते हैं। एड्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है? एड्स का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है, परंतु बचाव ही इलाज है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एचआईवी फैलने के 4 द्वार हैं: असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई के प्रयोग से, संक्रमित गर्भवती महिला से नवजात शिशु को, संक्रमित रक्त के प्रयोग से। लेकिन ये जानना भी अति आवश्यक है कि एड्स किन कारणों से नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से, चुंबन से, साथ खाने से, छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए शौचालय के इस्तेमाल से और संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से। अगर किसी पेशेंट को शक है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है तो वो सीधे एनएससीडी या आईसीसीसी की जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब्स हैं उनमें जाके टेस्ट करा सकता है, और उसके बाद सीधे किसी नज़दीकी एआरटी सेंटर पर चला जाए और वहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी के लिए रजिस्टर करा सकता है। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में प्रकाश में आया था। एचआईवी संक्रमित रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या हमारे लिए स्पष्ट चेतावनी है कि हम अब भी न जागे तो स्थिति गंभीर हो सकती है, यानी लम्हों की खता सदियों की सजा बन सकती है। राजधानी दिल्ली में एचआईवी संक्रमण के बढ़ते खतरे के कई कारण हैं। दिल्ली की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस कारण हर वर्ष प्रवासी मजदूरों और सेक्स वर्कर्स की संख्या बढ़ जाती है। घर से दूर दिल्ली में रह रहे अकेले मर्दों की तादाद भी ज्यादा है। गरीबी व जानकारी के अभाव से महिलाओं में यौन रोग व एचआईवी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आज भारत में लगभग 23 लाख व्यक्ति एचआईवी एड्स से संक्रमित हैं और दिल्ली राज्य में इनकी संख्या तकरीबन 34,000 है। परंतु हर्ष की बात यह है कि इनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 50% गिरावट आई है। दिल्ली को एड्स से बचाने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नैको निरंतर प्रयासरत है। इसके अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एड्स रोगियों में
आशा की किरण जगाने का काम कर रही है और दिल्ली बोले एड्स नहीं के नारे पर अमल कर रही है। जो एचआईवी ग्रस्त रोगी है उसे अपना जीवन थोड़ा अच्छे से मैनेज करना होगा और रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होगा। मैनेजमेंट के लिए उसे अच्छा पका हुआ खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, स्वच्छ पानी पिए, अपना शारीरिक जो उसकी स्वच्छता है उसको मेंटेन करें, साथ में जो आसपास का जो माहौल है पर्यावरण उसे भी साफ रखें अपने घर के आसपास का, अच्छी नींद ले, वो थोड़ा एक्सरसाइज करे, खेल कूद में अपना जीवन व्यतीत करे। उसे चाहिए कि वो पॉजिटिव सोच रखे ताकि एक आध्यात्मिक तौर पे जो इंसान जब सोचता है तो उसके अंदर कुछ क्षमता बढ़ती है, अंदर की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर वो शारीरिक संबंधों में रहता है तो उसे कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से जीवन को मैनेज करना होता है। एक स्वच्छ ज़िंदगी अगर गुजारेंगे तो आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो बीमारी है, वो उस पर आप काबू रख सकते हैं। सही जानकारी और महत्वपूर्ण सावधानियों से हम स्वयं को एड्स से बचा सकते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के साथ साथ हमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। यौन संचारित संक्रमण की समय पर जांच और सही इलाज एड्स से बचाव करता है। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इस विषय पर जागरूकता फैलाने में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एड्स को एचआईवी संक्रमण की सबसे गंभीर अवस्था माना गया है। एंटी रेट्रोवायरल उपचार के सहारे एचआईवी संक्रमण और एड्स के वक्त के फासले को काफी लंबा खींचा जा सकता है। वर्ष 2004 से पूर्व एचआईवी एड्स का कोई इलाज संभव नहीं था, परंतु आज यह संभव है। भारत में तकरीबन 4,48,000 व्यक्ति एआरटी की दवा ले रहे हैं और दिल्ली में लगभग 9,718 लोग एचआईवी एड्स की दवाई ले रहे हैं। एआरटी दवाओं के नियमित सेवन से एचआईवी एड्स व्यक्तियों की मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। एचआईवी संक्रमित रोगी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट का सहारा ले सकता है, जिसे फिलहाल एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय माना जा रहा है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एचआईवी व्यक्ति के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। जिस आदमी को एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है उसको एड्स की स्टेज तक जाने में 5 से 8 साल लगते हैं, पर जब हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करते हैं तो आदमी एक लंबी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शरीर में जो वायरस है उसका मल्टीप्लीकेशन रोकती है। जब मैं दवाई नहीं लेती थी मेरे शरीर में पूरे पर राइस थे, इन्फेक्शन था, मुझे भूखने लगती थी और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो था। पहले मेरा CD4 174 था 2002 में। जब से मैंने ARV लेने शुरू किया धीरे धीरे 8 साल के अंदर मेरा अब तक 1189 CD4 हो गया है। ART लेने से मुझे बहुत मदद मिली है। मेरा शरीर बहुत बेकार था जब मैं ART नहीं ले रही थी, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और बहुत अच्छे से काम करती हूँ और अपनी और बच्चों की सबकी अच्छे से देखभाल करती हूँ। ART की कॉम्बिनेशन थेरेपी काफी असरदार है और इसके जरिए HIV संक्रमित रोगी बगैर एड्स हुए अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। मैं दवाई जब से शुरू किया है उसी दिन से मेरे को फर्क पड़ा, मतलब अच्छा लगा, जो अच्छे से जी रही है। सब लोगों को यही कहूँगा जो दवाई खाओ टाइम से और अपना मस्त जी रहो। HIV संक्रमण को पूरी तरह एड्स में परिवर्तित होने में कितना समय लगेगा, ये रोगी की HIV संक्रमण से पहले और बाद के स्वास्थ्य और खान पान पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये समय अवधि औसत 10 बरस होती है। ART के जरिए ये समय और बढ़ाया जा सकता है। अब मेरे को ये फर्क हो गया जब से ये दवाई चालू है, जब से मैं अपने आप को सही हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। दिल्ली में एंटी रेट्रोवायरल उपचार की दवा 9 ART सेंटर्स पर मुफ्त उपलब्ध है। किसी भी HIV संक्रमित रोगी को एंटी रेट्रोवायरल उपचार शुरू करने से पहले उसकी कुछ आरंभिक चिकित्सीय जांच आवश्यक है। उसकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जाना जरूरी है
कि कहीं वो हेपेटाइटिस, टीबी या दिमागी बीमारी से पीड़ित तो नहीं, और गर्भावस्था जैसी चिकित्सीय स्थिति का भी पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही रोगी का वजन और हीमोग्लोबिन की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति को जिसको इन्फेक्शन है उसको बहुत साल तक तो हो सकता है कुछ लक्षण ही नहीं हो, पर जब उसे लक्षण होते हैं तो कॉमनली लक्षण जो हैं लंबे समय का बुखार, लंबे समय तक का दस्त रहना और वजन घटते जाना, और इन लोगों को काफ़ी कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को लक्षण होते हैं इस तरह के और नॉर्मल टेस्ट से नहीं पता लगता है तो हम एचआईवी टेस्ट कराते हैं। ये एचआईवी टेस्ट की सुविधा आईसीटीसीज में उपलब्ध होती है जो सारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। दिल्ली में हमारी सरकार ने 93 जाँच व सलाह केंद्र खोले हैं जहाँ निःशुल्क जाँच की जाती है, और जिस व्यक्ति को एचआईवी है उसको पूरी सलाह भी दी जाती है और उसको किस तरीके से आगे इलाज करना है उसके बारे में बताया जाता है। एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट से हमें एचआईवी संक्रमण का पता चलता है। ये जांच दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एकीकृत सलाह एवं जांच केंद्र से कराई जा सकती है। इस जांच के अतिरिक्त CD4 टेस्ट आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति बताती है। CD4 टेस्ट के जरिए प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में मौजूद टी हेल्पर कोशिकाओं की संख्या ज्ञात होती है। HIV जो वायरस है ये CD4 सेल्स को टारगेट करता है और इनको गिराता है, इनका लेवल इनको मार देता है। तो इनके लेवल के गिरने से HIV के जो सिम्टम्स हैं, एड्स के सिम्टम्स, वो होने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव टेस्ट करता है कि हम उसके CD4 लेवल्स करें और उन्हें मॉनिटर करें हर 6 महीने पे, ताकि जैसे ये लेवल गिरने लगे तो हम जो पेशेंट का टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। नई गाइडलाइंस के अनुसार यदि HIV संक्रमित व्यक्ति की CD4 काउंट 350 से नीचे है तो उसे ART की दवाइयों का सेवन करना चाहिए। आमतौर पर प्रति घन मिलीमीटर रक्त में टी हेल्पर कोशिकाओं की संख्या कम होने पर एंटी रेट्रोवायरल उपचार सुझाया जाता है। CD4 टेस्ट दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल जैसे एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीजेज और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। एड्स होने का मतलब जरूरी नहीं कि उसे मौत की सजा मिल गई। एड्स संबंधी रोग होने के पश्चात भी कई रोगियों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करने से लाभ होता है, मगर इसे शुरू करने से पहले अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी अवसरवादी संक्रमण का पता लगाया जाना चाहिए। इन्फेक्शंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल मुंह में छाले पड़ जाना, लूज मोशंस रहना, और टीबी होना। ठीक है, टीबी बहुत तरीके के होते हैं, छाती में हो जाते हैं, पेट में होते हैं, कभी कभार दिमाग में भी होते हैं, जिसको हम ट्यूबरक्लोज मेनिनजाइटिस बोलते हैं। ये चीज़ें तभी होती है जब इंसान का CD4 बहुत ही कम होता है और बहुत ही वीक होता है। कई अवसरवादी संक्रमण ऐसे होते हैं जिनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इनके लिए विकसित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस हैं जो नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती हैं, बट HIV में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। वो इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जैसे कि CMV हो गई, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपको CMV रेटिनाइटिस हो गया, ये सारी इन्फेक्शंस जो हैं, या हर्पीज जोस्टर हो गया, ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो एक HIV मरीज को बहुत जल्दी लग जाते हैं क्योंकि उसका CD4 काउंट जो है बहुत कम होता है। जैसे जैसे CD4 काउंट कम होता जाएगा ज़्यादा ज़्यादा इन्फेक्शंस आके उनको लगते जाएंगे। दूसरे इलाज की तरह एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में भी परामर्श के अनुसार दवाएं लेना आवश्यक है। इसमें दवाएं ठीक उसी तरह लेनी है जैसे डॉक्टर के जरिए बताई गई हैं। वक्त की पाबंदी बहुत आवश्यक है, जो समय बताया गया है ठीक उसी समय दवा खानी है और जिस तरह बताया गया है उसी तरह खानी है। मैं तो सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि दवाई छोड़ो मती, जो टाइम बताते हैं गोली दवाई का वो टाइम खाओ। यही मत सोचो कि हमको HIV है या क्या है, अपना काम करते रहो और जो जैसे डॉक्टर साहब सलाह बताते हैं उनकी सलाह से चलो। समय की पाबंदी और परामर्श के अनुसार दवा लेने में जरा भी कमी आई तो शरीर में वायरल लोड और दवाओं से लड़ने की क्षमता
बढ़ जाती है। कभी आपका वायरल लोड कम चले और कभी वायरल लोड बढ़ जाए तो उसमें बॉडी को नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि वायरल लोड हमेशा कम रहे, अनडिटेक्टेबल लेवल पे रहे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर 9 बजे कहा गया तो 9 बजे ही लीजिए। अगर दिन में दो बार लेनी है, दो बार ही लेनी है। मैं तो ये कहूँगा कि एक सिंगल डोज भी महीने की मिस नहीं करनी चाहिए। एक सिंगल डोज भी मिस करेंगे तो उस दौरान अगर वायरल लोड बढ़ता है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। इसलिए दवाई हमेशा रेगुलर और टाइम पे लेनी चाहिए। वायरल लोड का मतलब रक्त में मौजूद एचआईवी की मात्रा से है। वायरल लोड अधिक होने से हेल्पर सेल नष्ट होने लगती है, अर्थात परामर्श के अनुसार दवा लेने और वक्त की पाबंदी के मामले में अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अभी तक का इलाज बेकार हो जाएगा। एआरवी मैं 12 घंटे पे लेता हूँ और नियमित रूप से दिन में दो बार लेता हूँ। मैं सुबह 9 बजे अगर लेता हूँ तो रात के 9 बजे 12 घंटे पे जो है मैं उपचार लेता हूँ मैं एआरवी का, और एक भी दिन नागा नहीं करता, मैं कंटिन्यू उसको लेता हूँ। उसका लेने का फ़ायदा यह है कि मेरा CD4 काउंट भी बढ़ा है मेरा, और मेरी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट आया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। यूजली दवाई देने के बाद पेशेंट इम्प्रूव करने लगते हैं और उनका CD4 बढ़ने लगता है, तो हर 6 महीने पर ये टेस्ट होता है, उससे ये पता लगता रहता है पेशेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है। एक बार जब ट्रीटमेंट आपकी ERT में शुरू हो गई, जिसको हम एंटी रेट्रोविरल ट्रीटमेंट कहते हैं, तो फिर इसमें नागा नहीं होना चाहिए। वो रेगुलर बिना किसी एब्सेंस के वहाँ जाएं हर महीने, और जो दवा उन्हें मिलती है उसको रेगुलर लें। 6 महीने पे अपनी CD काउंट भी कराएं। अगर कभी उनको कोई समस्या दिखती है, किसी तरह की उनको तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए भी वो ज़रूर बात करें डॉक्टर को। ERT के जो नोडल ऑफिसर होते हैं, वहाँ डॉक्टर होते हैं, उनको बताएं कि साहब हमें ये तकलीफ़ है, और ताकि उसके बारे में वो मैनेजमेंट के बारे में और सोच सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अवसरवादी बीमारियाँ और भी उनको हो जाती हैं, तो उसके लिए भी वो CD काउंट इंडिकेट करता है कि अगर वो 500 से कम है तो चलता है, लेकिन अगर वो 350 से कम हो गया, 250 से कम हो गया, तो वहाँ पे एकदम से ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की। ARV ट्रीटमेंट में दी जाने वाली दवाइयाँ काफ़ी सुरक्षित हैं, लेकिन इस दौरान इनके सेवन से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। यूजली जो पेशेंट में जो ERT शुरू करते हैं उस समय स्किन रैश हो सकता है, फीवर आ सकता है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, वोमिटिंग आ सकता है। तो बेसिकली ये साइड इफ़ेक्ट जो है ये इंडिकेट करता है कि दवाई अपना काम शुरू कर दिए। कई लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट आता है, कई लोगों में नहीं आता। इसमें कोई वरी करने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये दवाई जैसे शुरू होता है उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप 4-5 दिनों में धीरे धीरे सब्साइड होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी अडॉप्ट कर लेता है एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट को, जिससे कि आगे चल के फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो मैं ARV को लेकर के जो स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ उसके सामने उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी मायने नहीं रखते। ERT का जो एक रेजिमेन है जिसके अंदर हम एफोवेरिन बेस्ड रेजिमेन देते हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट है। न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, सिडेशन, डिजीनेस, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब होता है। एफोवेरिन शुड बी स्ट्रिक्टली टेकन एट बेड टाइम टू अवॉइड दीज साइड इफेक्ट्स। 10-15 डेज में ये सीरियस साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं एंड द पेशेंट इज वेरी वेल सेटल्ड ऑन एफोवेरिन। अपने शरीर को ART के अनुरूप ढलने के लिए कुछ समय दें और ART लेना बंद न करें। लोगों को मैसेज यही देना है कि उन्हें अपनी जो दवाई खा रहे हैं उन्हें अपनी कंटिन्यू दवाई लेनी है, कभी छोड़नी नहीं है, और ERT डॉक्टर की हमेशा सलाह लेनी है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के दौरान लेने वाली दवाइयों के प्रति यदि कोई प्रतिरोध क्षमता हो जाए तो डॉक्टर विकल्प के तौर पर दूसरी दवा दे सकता है। अगर ARV शरीर के विषाणुओं की बढ़ती संख्या को कम करने में असफल है तो उपचार के बदलाव की आवश्यकता होती है। वायरल लोड चेक करते हैं और CD4 चेक करने के बाद सेकेंड लाइन ART स्टार्ट की जाती है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मरीज को भेजा जाता है, वहाँ पे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, टीम होती है पूरी, डिसाइड करते हैं कि इसको सेकेंड लाइन ART की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ये होता है हाँ इस मरीज को सेकेंड लाइन ART की ज़रूरत है, तो पूरा केस वहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से मरीज को सेकेंड लाइन ART शुरू की जाती है। गर्भवती महिला यदि HIV से संक्रमित है तो गर्भ अवस्था के दौरान, जन्म के समय या स्तनपान करने वाले नवजात शिशु को HIV संक्रमण हो सकता है।
कोई भी गर्भावस्था में पॉजिटिव मदर हैं उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी तरीके हैं जो गर्भावस्था के दौरान हम दवाई देते हैं और प्रसव के दौरान और उसके बाद में भी जो माँ और बच्चे को दवाई देते हैं, प्लस बच्चे की जो फीडिंग और उसके दूध की व्यवस्था हम करते हैं, उन सबको मिला के हम काफ़ी हद तक बच्चे को बचा सकते हैं एचआईवी होने से। शिशु के जन्म से पहले एचआईवी पॉजिटिव माँ तथा नवजात शिशु को एआरटी दवा देने से एचआईवी को फैलने से रोका जा सकता है। अर्ली उनकी एआरटी स्टार्ट हो जाती है, फिर उनको समझाया जाता है कि आप हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरीज कराएंगी, उस तरह से उनको पता होता है कि घर में डिलीवरी नहीं करानी। डिलीवरी से पहले उनको दवाई दी जाती है, उनको हम बता के रखते हैं, उन्हें भी पता होता है, लेबर रूम में उनको ज़िडोवुडीन बेस्ड मिलता है। फिर उसके बाद में जब डिलीवरी हो भी जाती है तो उनको पता होता है कि बेबी के लिए नेवरपिन ड्रॉप्स ज़रूरी है, तो उनको ये नॉलेज अभी से ही मिलती है। और सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये होता है कि उनको मिक्स फीडिंग नहीं करनी, कि कभी माँ का दूध दे दिया कभी ऊपर का दे दिया, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को माँ के गर्भ में ही एचआईवी संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाए। एआरवी उपचार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को आपकी सहानुभूति की जरूरत है और अपनी मित्रता बनाए रखें। सबसे जरूरी है कि उसको सामान्य व्यक्ति जैसा ही व्यवहार मिले। जिन मरीजों का घर पर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उन्हें दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आता है जिसको ओआईज हो, जैसे लूज मोशन, फीवर, डायरिया, उल्टी आना, उसका यहाँ पे इलाज होता है। और यहाँ पे हम उसको 5 से लेके 21 दिन तक एडमिट भी करते हैं, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे कि कितने दिन तक वो भर्ती रह सके। इन केंद्रों पर मरीजों को मुफ्त इलाज, दवा और खाना दिया जाता है। एचआईवी पॉजिटिव लोग जो कि हमारे सेंटर्स पे रजिस्टर्ड हैं और जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारे 9 सेंटर पे, उनको जो है 1000 रुपये महीना हम लोग ट्रांसपोर्ट और आहार के लिए देंगे। जो बच्चे अफेक्टेड हैं जिनके माता पिता की डेथ हो गई है उनको 1750 रुपये महीना दिया जाएगा, और जो बच्चे इन्फेक्टेड भी हैं और अफेक्टेड भी हैं उनको जो है 2050 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हमारे जो 9 सेंटर हैं एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के लिए, उन पर उनको जो है निःशुल्क दवाई दी जाती है और उसके साथ साथ ये फॉलोअप भी किया जाता है कि वो रेगुलर अपनी दवाई लें। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त की दवाइयाँ दी जाती हैं, इसका आप लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि आपका भविष्य का जीवन इससे सुधर सकता है। और मैं ये उम्मीद करूंगी कि जितने भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं दिल्ली में वो अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाएं और इस सुविधा का इस्तेमाल करें। जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं उनके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे, कभी दुख, कभी गुस्सा या शर्म। ऐसे विचारों को आना स्वाभाविक है। इस बीते कल को तो बदल नहीं सकते, सिर्फ नियमित इलाज ही हंसती खेलती जिंदगी में रंग भर सकता है। आपको उन्हें अपनी मंजिल पाने का मौका देना चाहिए। एचआईवी होने का मतलब जिंदगी का अंत नहीं है। एचआईवी से लड़ना चाहिए इंसान को, उसका सामना करना चाहिए। परेशानियां तो जिंदगी में हर लोगों के साथ आती रहती है, उस परेशानियों का हल है, उसका सामना करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। मैं एचआईवी होकर भी जीना चाहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि है ना कि एचआईवी वाले लोग है ना जी नहीं सकते। मैं ना अपने आप में खुद है ना कॉम्पिटिशन लाना चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो हर दुनिया का वो काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो। एचआईवी से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। जिस तरीके से मैं 2001 से एचआईवी पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। मैं अब भी पूरी मजबूती से इस वायरस से लड़ रही हूँ।